यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वही हरियाणा की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक छात्रा से नंबर बढ़ाने के नाम पर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। युवती ने इसकी शिकायत पुलिस को कर दी है, तो वहीं छात्र संगठन ने मामले में आरोपी टीचर को सस्पेंड करने के लिए आंदोलन भी शुरू करने का ऐलान किया है। धर्मनगर कुरुक्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक अध्यापक पर अपनी एक छात्रा के साथ शारीरिक शोषण करने के प्रयास का मामला सामने आया है। अध्यापक ने छात्रा को अपने कमरे में बुलाया और परीक्षाओं में ज्यादा मार्क्स लगाने का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाने का लालच दिया। इस पर जब छात्रा इनकार कर दिया तो अध्यापक ने उसे फेल और जान से मारने की धमकी दी। मेरे सर ने बहुत ज्यादा बदतमीजी करने की कोशिश करी। उन्होंने मुझे मतलब अपने ऑफिस में जाके पेपर देने के लिए कहा जबरदस्ती, और फिर उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। उन्होंने मुझे पेपर देने के लिए कहा और कहा कि तू मेरे ऑफिस में बैठ के पेपर दे और कुंडी लगा ले। फिर मैंने उनको मतलब बहुत मना किया कि सर मैं ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे एक चॉकलेट दी और बहुत ज़बरदस्ती से मुझे मेरे साथ बहुत बुरा किया। और उन्होंने मुझे धमकी दिया कि अगर तूने ये खबर बाहर किसी को बताई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और किसी भी पेपर में पास नहीं होने दूंगा। इसके बाद छात्रा ने पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दी, जहां उसे अध्यापक के खिलाफ शिकायत करने के लिए साथ मिला। छात्रा का दावा कि आरोपी अध्यापक कई लड़कियों के साथ इस तरह की हरकत कर चुका है, लेकिन शर्म और इज्जत के डर से वो सामने नहीं आती। हमें बहुत सारी खबरें ऐसी मिली है कि हाँ, हमें सारे बोलते थे कि हाँ वो सर ऐसे हैं ऐसे है। हमने कभी कौन से सर थे? धीरेन्द्र कौशिक सर। अच्छा। पर हमें ये लगता था कि उसने हमारे साथ कोई गलत नहीं किया तो ठीक होंगे, बट वो हमें फर्स्ट ईयर की लड़कियों को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। कई लड़कियाँ तो एक लड़की ने तो उनके मुँह पर थप्पड़ भी मारा हुआ है। इतने केसेस बन चुके हैं उस सर पर क्योंकि वो सर नहीं मानते। तो मतलब कल हमें लड़कियों ने बताया कि मतलब बहुत ज़्यादा उनको तंग किया जा रहा था, और कई 50 लड़कियाँ निकल के आई हैं वहाँ से कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यौन शोषण, महिला सम्मान को भंग करना और धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुशासन की बैठक बुलाई है। वहीं मामले को लेकर छात्र संगठन भी लामबंद होने लगे हैं। उनका कहना है कि अगर आरोपी शिक्षक को जल्द ही निलंबित नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो मेरी सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम भी जाएंगे किसी सर के पास कि आप आगे आओ, वो आगे आएंगे तो सारा स्टाफ आएगा तो बच्चे आएंगे, क्योंकि ये हमारा कोई ना तो हम किसी SFI से इंसो से ये मामला नहीं है। ये मामला एक हमारी बहन का है, तो हमें सबको एक होकर आना पड़ेगा। और अगर इसके बाद भी PC सर उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं सर पे, तो हम हमारी बहन के साथ हड़ताल पे बैठेंगे। बहरहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर से गुरु शिष्य के रिश्ते तार तार हो गए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय क्या रुख अपनाता है या फिर कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर इतिश्री करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।